हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी व्लॉग। मैं हूं अनम, आपकी दोस्त और होस्ट। फ्रेंड्स, कभी कभी सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या सब्ज़ी बनाई जाए आज, और घर वाले भी फिर यही कहने लगते हैं, क्या रोज़ रोज़ सेम सब्ज़ी बनाकर दे देती हो। इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं एक न्यू रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन के कोफ्ते, बिल्कुल अलग अंदाज में। आई होप आपको ये कोफ्ते की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है बनने में, इसलिए मेहनत भी काफ़ी कम है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले म्यूज़िक। सोयाबीन के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 200 ग्राम सोया ग्रैन्यूल्स। अगर आपके पास इस तरह के सोया ग्रैन्यूल्स नहीं हैं और मोटी मोटी सोयाबीन की बड़ी हैं तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। और मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर, 1 टेबलस्पून काजू का पाउडर, 2 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन है ये, आप इसको रोस्ट कर लीजिए। और अगर आपके पास रोस्टेड बेसन नहीं हो तो भुने हुए चने हो तो आप उसको भी मिक्सी में इस तरह से पाउडर बना लीजिए। 1 मैंने प्याज को स्लाइसेस में काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ये मैंने जिंजर का पेस्ट ले लिया है, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक दोनों का पेस्ट ले सकते हैं, ये 1 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, या आप अपने टेस्ट के अनुसार उसे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैं सोया ग्रैन्यूल्स को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगा दूंगी। यहाँ मैं गर्म पानी ले रही हूँ, इसको आप 10 मिनट के लिए भिगा देंगे। मैंने यहाँ पर 3 कप गर्म पानी ले लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, तो गुनगुना पानी लेना है, और इसको भिगाने के लिए छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं इसको भीगते हुए, अब हम इसका जो एक्सेस वाटर है उसको हमें ऐसे निचोड़ना है, क्योंकि जो कोफ्ते हैं हमारे, हमें उसको बिल्कुल एकदम सूखा रखना है। तो आप इस तरह से इसका सारा पानी इस तरह से निचोड़ लीजिए हाथ से। इसको निचोड़ने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, कोफ्ते तभी अच्छे बनते हैं जब उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। अगर इसमें ज़रा भी पानी रह गया तो ये कोफ्ते हमारे पूरे बिखर जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक ग्राइंडर जार ले लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करने के लिए इसमें डालती हूँ। अभी मैंने ये आधा लिया है, मैं इसमें अब मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर, 1 टेबलस्पून काजू पाउडर। अगर आपके पास काजू पाउडर नहीं है तो आप हशहश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। और ये मैंने 4 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन ले लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप भुने हुए चने हैं उनको भी ग्राइंड कर सकते हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इससे अच्छी बाइंडिंग आती है। ये मैंने 1 मीडियम साइज प्याज ले लिया था, हरा धनिया, यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं आप, ये 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन है, इसको मैंने क्रश कर लिया था अच्छी तरह से, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट, आप चाहें तो आप यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ।
ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से, ये कितना बारीक हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको बारीक कर लेना है। आप चाहे तो फूड प्रोसेसर में भी इसे इस तरह से कर सकते हैं बारीक। अब हमें इसकी बॉल्स तैयार करनी है, तो मैं एक हाथ पे यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ जिससे कि ये सही से बॉल बन जाए इसकी, और छोटे छोटे पोर्शंस लेकर इस तरह से इनको गोल गोल घुमा के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी शेप के कोफ्ते बना सकते हैं या किसी भी साइज के बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपकी अगर बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही है तो आप इसमें आलू मिला सकते हैं, बॉईल करके आलू मिलाइएगा इसमें, और आप इसमें अरारोट का पाउडर या कॉर्नफ्लोर ये भी मिला सकते हैं। ये देखिए मेरा एक कोफ्ता तैयार है। इसी तरह से मैं पाकी के भी तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने उनकी बॉल बनाकर तैयार कर ली हैं, अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो चलिए फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और मैंने यहाँ पर 300 ml के करीब ऑयल ले लिया है। कोफ्ते फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल हमें चाहिए। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें कोफ्ते डालते हैं। इनको अच्छी तरह से पलटते रहेंगे बार बार। बहुत धीरे धीरे हमें इनको टर्न करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पर इनको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनको हमें बहुत धीरे धीरे आराम आराम से निकालना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह से हम बाकी सब भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए है 2 medium size प्याज, मैंने उनको बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 cup दही, 1 tablespoon almond powder, 1 tablespoon cashew powder, 1 teaspoon garam masala powder, 1.5 teaspoon dhaniya powder, 1 teaspoon degi mirch powder, इससे कलर अच्छा आता है, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो मिर्च बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। 1 teaspoon यहाँ पर मैंने नमक लिया है, 1 teaspoon हल्दी, और ये है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कोकोनट पाउडर। आप घर में भी इसको मिक्सी में ग्राइंड करके बना सकते हैं। 1 teaspoon यहाँ पर मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, आप जिंजर और गार्लिक दोनों का पेस्ट अगर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर टोमेटो प्यूरी है 1/2 cup, कुछ खड़े मसाले हैं यहाँ पर, ये मैंने ले लिया है जीरा 1 teaspoon, 1 तेज पत्ता है, 4 लौंग, 1 फूल चक्री, स्टार अनाइस भी कहते हैं इसे, 4 से 5 आपको काली मिर्च है, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने इसमें 4 tablespoon ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डालती हूँ। 5 सेकेंड के बाद इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। देखिए जीरा ब्लूम हो रहा है, अब इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं सारे। इसमें ये प्याज डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करनी है, प्याज बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए।
देखिए फ्रेंड्स, प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तल ली थी हमने अच्छी तरह प्याज। अब हमें इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं सारे। मैं यहाँ पर आमंड पाउडर डाल रही हूँ, कोकोनट पाउडर, कैशू, ये मैंने जिंजर का पेस्ट ले लिया है, अब इन सभी को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसमें हम बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, धनिया पाउडर, बेबी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। अब इन सभी को अच्छे से हमें भूनना है, यानी कि इनको बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक कि इनके चारों तरफ से ऑयल ना निकलने लगे। ये मसाला भूनते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी और इसको आपको चलाते रहूंगी। अगर आप दही डाल रहे हैं तो आपको मसाले को अच्छी तरह चलाते रहिए, नहीं तो दही फट जाएगा। अब मैं यहाँ पर टोमेटो प्यूरी ऐड करूंगी। कंटिन्यूअसली इसको स्टर करते रहिए इस तरह से। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें एक शाइन आ गई है दही डालने से, ये देखिए। ये मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देते हैं। और इसको ढककर पकने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब देखते हैं बोलकर ये अच्छी तरह से उबल चुका है। ऊपर चलाकर देख लेते हैं, इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, कंसिस्टेंसी है वो आप कोफ्ते के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपके कोफ्ते ज्यादा हैं तो आप और पानी ऐड कर लीजिए, अगर कोफ्ते कम हैं तो पानी थोड़ा कम कर दीजिए। अब इसमें मैं कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। और इसमें 1/2 ग्लास पानी और ऐड कर देंगे।
अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो इसलिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये टूट भी सकते हैं, तो एक बार और ढक के रख देते हैं। फ्रेंड्स ये देखते हैं खोलकर, ये देखिए इस पर कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बनकर तैयार है, चलिए इसको डिश आउट करते हैं। ये बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए इसको गार्निश करते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसके ऊपर से ही डाल देंगे थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च और एक स्लिट की हुई हरी मिर्च इस तरह से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये डिश हमारी बनकर तैयार है, सोयाबीन के कोफ्ते, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हे फ्रेंड्स, तो सोयाबीन के कोफ्ते मैंने बिल्कुल अलग अंदाज में बनाए हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे एक नई और एक टेस्टी रेसिपी के साथ बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।